साथियों, ये LG का डबल डोर फ्रिज है। इसके फ्रीजर में किसी प्रकार की कोई कूलिंग नहीं है। नीचे वाले सेक्शन को भी खोल के देखते हैं तो इसमें भी किसी प्रकार की कोई कूलिंग नहीं आ रही है, जबकि इसमें लाइट चल रही है। तो इसका डायग्राम मैंने पढ़ लिया है और इसको कंप्रेसर को चेक करते हैं। अपन कंप्रेसर का जो ये OLP रिले का जो कवर है इसको खोल के हटा लेते हैं साइड में, और फिर यहाँ पे वोल्टेज टेस्टिंग करते हैं कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मल्टीमीटर को मैंने AC 600 वोल्ट की रेंज पे कर लिया है और मैं चेक करके देखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 249 वोल्टेज आ रहे हैं, इसका मतलब ये है यहाँ पर सप्लाई आ रही है। तो अपनी थर्मल रिले, बायोमेट्रिक सब कुछ ओके है, मेन सप्लाई केबल भी ओके है। तो यहाँ पे दिक्कत दो ही चीज़ों की है, या तो ये OLP और जो NTC जो PTC रिले है इसकी, या फिर कंप्रेसर की। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, पहले PTC को चेक कर लेता हूँ। मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर लिया है। अब ये OLP चेक कर लेता हूँ। तो OLP जो है अपनी ओपन दिखा रहा है मीटर, तो इसका मतलब ये ख़राब हो चुकी है। मल्टीमीटर को फिर से कंटिन्यूटी मोड पे चेक, एक बार वोल्टेज मोड पे सेट करते हैं 600 वोल्ट AC पे, और एक बार सप्लाई माप के देखते हैं कि क्या सप्लाई का इश्यू तो नहीं है क्या। यहाँ पे पावर सप्लाई ऑन करता हूँ तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 248 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है। इसका मतलब ये है कि अपना जितना भी थर्मोस्टेट है, बायोमेट्रिक है, सारा सिस्टम ओके है। तो अपन मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे टेस्टिंग करके सेट करके और कंप्रेसर की टेस्टिंग ले लेते हैं। कंप्रेसर में 3 पिन होती है, रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन। तो जिन 2 पिनों के बीच में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है, शेष बची पिन कॉमन होती है, और कॉमन से किसी भी एक पिन पे रेजिस्टेंस लेते हैं। जिस पे सबसे ज़्यादा आता है वो रनिंग, और जिस पे कॉमन से दूसरी शेष पिन के बीच में कम आता है वो स्टार्टिंग होती है। जितने भी इंडक्शन मोटर होती हैं उनमें क्या होता है, स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस रनिंग से ज़्यादा होता है, लेकिन कंप्रेसर की मोटर में क्या होता है, स्टार्टिंग के बजाय रनिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो यह मैंने चेक कर लिया है, कंप्रेसर अपना ओके है, सही कंटिन्यूटी दिखा रहा है। एक बार ग्राउंड फॉल्ट और चेक कर लेते हैं, ग्राउंड फॉल्ट भी नहीं है इसमें। तो अपना OLP और PTC जो है उसी का फॉल्ट है, तो अपन नया लगा देते हैं। सबसे पहले ये जो OLP है इसमें 3 पिन है, एक नीचे है, 2 ऊपर हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मेरी साइड में जो पिन है, नीचे वाला जो है कॉमन है, उस पर लगा देते हैं अपन OLP, और जो मेरी साइड में है वो है राइट साइड में जो है वो है रनिंग, और लेफ्ट साइड में जो है वो है स्टार्टिंग। तो अपन ये PTC लगा देते हैं। तो PTC में क्या है, रनिंग जो पॉइंट है वो मैंने चेक कर लिया है उस पर, और जो OLP है उस पर मेन सप्लाई का दोनों वायर कनेक्ट कर देते हैं, फिर इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। तो ये एक वायर OLP पे लगा देता हूँ मैं, और दूसरा शेष बचा वायर जो है वो मैं PTC पे कनेक्ट कर दूँगा रनिंग साइड में। दोस्तों, अगर आपको रनिंग और स्टार्टिंग साइड पहचानने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे को कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हो, या मेरे मोबाइल नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हो। मैं आपको आपकी जहाँ हो जो भी समस्या होगी वो मदद करने में मैं आपकी सहायता करूँगा। अब मैं इसको एक बार पावर सप्लाई देके देखता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे 1.1 एम्पियर करंट ले रहा है, और ये चल चुका है, और थोड़ी देर चलने के बाद में सेक्शन डिस्चार्ज जो पाइप है उस पर हाथ लगा के देखता हूँ क्या वो गर्म हुआ या नहीं हुआ। तो मेरा डिस्चार्ज जो पाइप है वो गर्म हो चुका है अच्छे से, इसका मतलब ये अच्छे से कूलिंग करने लग गया होगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार फ्रीजर में, तो फ्रीजर अच्छे से कूलिंग करने लगा है। नीचे वाले सेक्शन में भी चेक कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी अच्छी कूलिंग है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब